बीबीएल का मैच नंबर थ्री, ठीक है, आज का मैच जैसे कि एडलेड स्ट्राइकर, मैंने आपको पहले भी बोला है कि डिफेंडर टीम है ना, इन्होंने हालांकि रन बहुत ज़्यादा बना दिए तो उतना चेज होना नहीं था, तो आज देख लेते हैं कैसी टीम है क्या है, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 बंदे, एक बंदा है वो बना के मेरे को देता है, ठीक है ठीक है। मैक्स ब्रायंट बहुत बवाल फॉर्म में है कंटिन्यूस अभी, पहले उधर भी जो आप हो सकते हो जब ये स्टार्ट किया था ना अपना करियर, उस टाइम पे 20 बॉल पे 35-40 ऐसा बनाता था, ओडीआई में भी काफ़ी तेज खेलता था, उसके बाद वो स्लो खेलने लग गया, पता नहीं किसने समझाया क्या किया, बट अभी हाल ही में इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत तेज खेल रहे हैं और मैं ये पूरा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये पूरे टूर्नामेंट में हीट को विन कराते हुए मिलेंगे, ठीक है। मैक्स ब्रायंट इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, अपने टीम में आपको रखना ही रखना है सारे मैच में, बिकॉज ही इज अ मैच विनर, अभी अलग फॉर्म में, अभी हाल ही में ऐसी सेंचुरी मारी थी, अगर आप जाके हाईलाइट देखोगे तो आप फैन हो जाओगे। देखिए जिमी पियर्सन कंटिन्यूस रन बनाते हैं, कैप्टन भी अच्छे हैं और मेरे को इस बार हीट की टीम ज़्यादा पसंद आ रही है, बल्कि अगर आप उस सेंस में देखोगे तो सबसे मतलब जो कप रेट होता है उसमें आखिरी नंबर पे नाम ब्रिस्बेन हीट का है ना, बट ये टीम अलग है मेरे हिसाब से। देखिए मनरो और किसैम्बलिंग्स दोनों ही बीच में चले जाएंगे 10 जनवरी के पहले पहले ये लोग छोड़ देंगे है ना, वो दूसरे लीग्स में खेलेंगे, साउथ अफ्रीका की और जो इंटरनेशनल T20 हो रहा है उसमें खेलेंगे। रॉयस वाइटली लेफ्टी हैं, अच्छा खेलते हैं दोनों का, मेरे को बोलना नहीं है, मनरो किसैम्बलिंग्स बड़े प्लेयर हैं। अब देखिए प्लेयर आते हैं जेम्स बेजली, ये ऑस्ट्रेलिया में खेलना ही खेलना है आज नहीं तो कल, ठीक है। इनके पास बॉलिंग काफ़ी लंबे है, आपको बहुत तगड़ा हिट करके देते हैं नीचे में, कुछ भी बना सकते हैं, 10 बॉल पे 30 रन भी बना सकते हैं, ऐसे वाले प्लेयर बहुत कम होते हैं और बॉलिंग भी बहुत तगड़ी करते हैं ये, ठीक है। नैथन मैकस्वानी मेरे हिसाब से ये स्पिनर हैं, मेरे हिसाब से यहाँ नहीं खेलेंगे, ठीक है, T20 में मैक्स टू मैक्स वो नहीं खेलेंगे। एक्जेवियर बार्लेट भी, इनके फास्ट बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है इनकी और ऑलराउंडर है, नीचे में ये भी मार लेते हैं, और बाकी तो मार्कस मार्क स्टेकेटी और इसके अलावा आपके एक और प्लेयर हैं वो इधर देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को दिमाग नहीं है, अभी एक और वीडियो मेरे को बनाना है। देखिए जैक विल्डरमुथ मेरे हिसाब से ये खेलेंगे, बिकॉज ये मैच विनर है और कहीं ना कहीं इसमें इनका नाम नहीं है, और माइकल स्वेप्सन मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, लेग स्पिनर है, पता नहीं बेकार बॉलिंग करते हैं, इतना इनको मौका दिया गया है, ये एक्चुअली मैं सही बॉलर नहीं, मैं इनको नहीं लूँगा। देखिए मैट खुनमैन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये अभी हाल ही में इनका जो इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है, लेफ्ट आर्म के स्पिनर है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और यहाँ भी आपको विकेट लेते हुए 100% मिलेंगे। अब देखिए ये दोनों को मैं तो पर्सनली नहीं जानता हूँ, ठीक है, पर जिस हिसाब से मेरे को जिस बंदे ने बनाया है उसने यही प्रेडिक्ट किया कि जॉस ब्राउन बहुत बड़ा हिटर है, ठीक है, अब एक बार टीम में आ जाए तो उसके बाद मैं एक दो बार और इसको इंटरनेशनल में या तो आपके BBL में खेलते हुए देख लूँ, उसके बाद ही मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँगा कि ये कितना बड़ा प्लेयर है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस मैच और इधर उधर में खेलते हैं बट वो एक्चुअल टाइम पे नहीं खेल पाते हैं ना, जैसे और भी बहुत नाम है मेरे दिमाग में, बट देखेंगे बंदे ने बोला है तो जरूर इसको देखेंगे। जॉस ब्राउन का नाम आप भी देख लीजिएगा, ठीक है, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, वैसे और कुछ नहीं। देखिए हर साल की सबसे रद्दी टीम, ठीक है, मेलबर्न रेनेगेड्स, इस साल भी आंद्रे रसल छोड़ के चले जाएंगे और आकिल हुसैन इनके छोड़ के चले जाएंगे और मैक्स टू मैक्स मुजीब और जदरान भी 10 के पहले चले जाएंगे, तो इनकी टीम में कोई बसता नहीं है। अगर इस साल देखा जाए तो एरन फिंच सारा मैच खेलेंगे, निक मेडिसन अच्छे प्लेयर हैं, मैकेंजी हार्वे मैंने पहले भी बोला है कि आने वाले टाइम में आपको ऑस्ट्रेलिया में एक नाम सुनने मिलेगा मैकेंजी हार्वे का, ठीक है, बहुत क्लास प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन है। सैम हार्पर बहुत पुराने हो गए हैं, मतलब 2-3 साल हो गया है, बस ये है कि 20 बॉल पे 35 इस टाइप के प्लेयर हैं बट वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाते हैं ना, या के मार के जाते हैं, ये बॉल नॉट के कैंडिडेट हमेशा रहते हैं। जॉन विल्स आपके एडलेट स्ट्राइकर में थे, काफ़ी सिंगल डबल खेल के देते हैं और मेरे को ऐसे प्लेयर पर्सनली उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी विल सदरलैंड इनके ऑलराउंडर हैं, मीडियम पेसर है और नीचे में रन भी बना के दे देंगे, पहले ही अपनी टीम पे ओपन करने आते थे। अकेल हुसैन मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, लेफ्ट आर्म का स्पिनर है और कहीं ना कहीं नीचे में मोटा मार लेगा, आंद्रे रसल के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। टॉम रॉजर्स तो ये गलत है बिकॉज ये तो उसमें खेल रहे हैं, सिडनी स्टार्स में खेल रहे हैं, मेलबर्न स्टार्स में इन्होंने ओपन किया था, ये एक्चुअली में ऑलराउंडर हैं, ठीक है, ये भी हमेशा बॉल नॉट के कैंडिडेट रहेंगे, टॉम रॉजर्स आप याद रखिएगा। देखिए केन रिचर्डसन ऑस्ट्रेलिया के आप बोल सकते हो बहुत तगड़े प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी स्ट्रॉग है कि T20 में नहीं आ पाते, बट ये बहुत अच्छे प्लेयर है और यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा विकेट लेते मिलेंगे और मुझे वो जदरान भी विकेट लेते मिलेंगे, तो अभी के लिए इनकी टीम मैं जैसा बोलता हूँ इट्स अ डिफेंडेड टीम, ठीक है, इनके पास 2-3-4 ऐसे बॉलर हैं जो मैच आराम से डिफेंड करा सकते हैं और इनकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है आप बोल सकते हो। पुराने प्लेयर्स हैं, निक मेडिसन ले लो, चाहे 2-3 साल पुराने सैम हार्पर, जॉन ओवेल्स पुराने हो गए और मैकेंजी हार्वे, तो ये सब एक्सपीरियंस है इनके पास, तो इस साल इनकी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, जब तक एटलीस्ट आंद्रे रसल और इतने सारे प्लेयर हैं तो शुरू के 4-5 मैच में आप इनको हल्के में नहीं आ सकते। सेम ऐसा ही ब्रिस्बेन हीट के साथ भी है, भाई ये देख लेते हैं मेरे हिसाब से कोई अगर प्लेयर छूट गया हो तो। देखिए मैं बता दूं ब्रिस्बेन हीट इज अ चेस टीम, जिस हिसाब की इनकी टीम है, अगर ये जैक विल्डरमुथ खेलते हैं, ठीक है, माइकल नेसर तो नहीं खेलेंगे, ठीक है, मैट रेनशॉ भी खेलेंगे सारा मैच, उस बंदे ने शायद नहीं लिखा था, इसके अलावा मार्क स्टेटिकेटी, आपके एक्जेवियर बार्लेट, विल प्रेस्टोविच लास्ट ईयर आपको याद होगा कुछ 6-7 बॉल पे 20-22 रन इन्होंने बनाए थे, 7 बॉल पे 21 रन लगभग ऐसा ही इन्होंने, मतलब मजा आ गई थी वो बैटिंग देख करके। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी टीम में ठीक ठाक बैट्समैन भी हैं जब तक कि सारे प्लेयर खेल रहे हैं, तो ओवरऑल एक ऑलराउंड टीम है, अगर अच्छे से खेलेंगे तो इनके 11 नंबर तक बल्लेबाजी है और ऐसे में हमेशा वो हेल्प होती है, चाहे आप पहली बैटिंग करो चाहे दूसरी बैटिंग करो। और अगर इसमें देख लिया जाए तो
ऐसा तो सारा नाम उधर लिखा गया। मेरे हिसाब से मार्टिन गप्टिल को ये मौका तो जरूर देंगे, और मार्कस एरिस बहुत क्लास प्लेयर है, हाल ही में सेंचुरी सेंचुरी मार रहे हैं, अभी टेस्ट मैच में भी शायद सेलेक्टेड है तो इधर नहीं खेल पाएंगे, बट इनकी टीम इस बार की अच्छी है, जैसा बैटिंग लाइनअप है सब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये हारते हुए मिलेंगे, बल्कि इस बार आपको जीतते हुए भी मिल सकती है। तो स्टार्ट में बस ऐसा ही वीडियो बना है, ये टोटल छठवां मैच हो गया, मतलब छठवीं टीम का मैच हो गया, दो और बन जाने दीजिए, उसके बाद अपन पॉसिबल प्लेइंग 11 और प्लेयर एनालिसिस के हिसाब से अपन वीडियो बनाएंगे और अच्छे से प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर आप मेरे से प्रिडिक्शन मांगोगे तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कौन सी टीम क्या कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये टीम तगड़ी लग रही है, ठीक है, मेलबर्न रेनेगेड्स की। और इसमें कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा इसको देखना पड़ेगा, हालांकि ये टीम भी अच्छी है, मैच आपको बहुत अच्छा देखने मिल सकता है। मेरे को हर साल हीट की टीम बहुत पसंद है, ठीक है, बिकॉज उसमें कुछ मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स हैं जिसको कि मैं और आगे जाते हुए देखना चाहता हूँ। और बाकी अगर इसमें देखा जाए तो ये टीम भी काफ़ी तगड़ी है, अगर ये टीम पूरे टूर्नामेंट खेल देती तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता था कि टॉप फोर में मिल जाती, बट शुरू के जो 4-5-6 मैच हैं इनको आपको देखना पड़ेगा, इट्स नॉट अ टीम की बहुत ईजी टीम नहीं होने वाली। और इस साल मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि आंध्र रसल कुछ ना कुछ मैच जिताएंगे, ठीक है, क्योंकि अब किसी को इससे उम्मीद नहीं है, तो अब जिससे उम्मीद नहीं होती वो जरूर कुछ अच्छा कर लेता है। तो बहुत सारी चीज़ है, अब नेक्स्ट पे जब वीडियोस बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, मैंने बता दिया आपको कौन सी चेस टीम हो सकती है, कौन सी डिफेंट टीम हो सकती है और कौन कौन प्लेयर्स पे आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। और जैसा अभी तक मैंने आज वाले में भी जैसा जैसा आपको बोला था कि इनके बॉलर्स को उठा लेना, जैसे सारे विकेट्स इन्होंने ले लिए, ठीक है, तो आप मैंने आपको ये भी बोला था जिसके ओपनर है मैथ्यू शॉट को ले लीजिएगा, तो उसने भी 80 रन बनाए, तो जो फैंटेसी वगैरह भी बनाते हैं वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ।